जीनान फ्लोरीन यौगिक की संरचना पढ़ लिए, यानी आपको बता दें कि जीनान फ्लोरीन यौगिक की संकरण की बात मैं कर रहा हूँ। मैं कहूँ कि एक्स ई एफ टू में कौन सा संकरण पाया जाएगा, एक्स ई एफ फोर में कौन सी संकरण पाया जाएगा, और एक्स ई एफ सिक्स में कौन सी संकरण पाया जाएगा, और एक्स ई ओ एफ फोर में कौन सी संकरण पाया जाएगा, और एक्स ई ओ थ्री में कौन सी संकरण पाया जाएगा। समझ रहे, इसको हटा दीजिए, इतना की पहले बात करेंगे। बताना है कि कौन कौन सी संकरण पाया जाता है। मैं आपको सूत्र यहाँ पर लिख देता हूँ संकरण निकालने का, एक बटा दो, इसको भी लिख लीजिए तो एक्स ई ओ थ्री एक बटा दो, यहाँ पर लिखेंगे केंद्रीय परमाणु की संयोजकता, केंद्रीय परमाणु की संयोजकता माइनस या प्लस मोनोहाइलोजन लिखना, या मोनो इलेक्ट्रॉनिक तत्व लिखना है। अभी दोनों होता का प्रश्न, केंद्रीय परमाणु का मतलब जो कम संख्या में होता है उसको केंद्रीय परमाणु, माने जीनान सब में केंद्रीय परमाणु है। अब मोनो का मतलब होता है जिसके अंतिम में एक या तो ग्रहण करने वाला तत्व तो होना चाहिए या एक छोड़ने वाला होना चाहिए। मोनो माने एक होता है, जैसे फ्लोरीन आ गया तो एक लेता है, क्योंकि सात होता है तो एक लेता है। फ्लोरीन आ गया तो वो भी उसका भी सात अंतिम होता है तो एक लेता है। माने वर्ग 17 के जितने भी तत्व होंगे ना उसकी संयोजकता अगर वहाँ पर उपस्थित होंगे तो लिखेंगे, आप वर्ग एक वाला लिखेंगे, अब बाकी बीच में कुछ होगा तो नहीं लिखेंगे, वही लिखेंगे जिसके अंतिम में एक होगा, बाकी किसी वाले का नहीं लिखेंगे। एक लेता होगा उसको लिख सकते हैं संयोजकता में एक, और जो देता होगा उसको एक लिखेंगे। बताइए इसमें अगर एक सी का संयोजकता पूछे पहला को तो क्या होगा, एक बटा दो लिख लो, और केंद्रीय परमाणु का है एक सी, और एक सी के अंतिम में कितना होता है आठ होता है ना, तो आठ लिख लो प्लस, और एफ एक लेता है, ये क्या करता है माइनस मत लिखना प्लस में लिखना, तो इसकी संयोजकता होगी एक, तो एक गुणे दो, दो क्यों लिख रहे हैं क्योंकि इसके अंतिम में दो है। तो आप आगे बढ़ा लीजिए, एक बटा दो लिखिए, गुण है दो या कम दो, और आठ दो दस, और दो से काटेंगे पाँच, तो पाँच हो गया, पाँच के लिए एस पी थ्री डी, एस पी थ्री और ए एस, और तीन को पी एगो डी, तो पाँच हो गया। सीखो तो नहीं सीखो क्या बता रहे हैं, किसी भी यौगिक का ऐसे ही निकाला जाता है। ये सूत्र आपको 11 में पढ़ाया गया, ये सूत्र आज भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दूसरा आपका है कि एक्स ई आपके अवतार में पूरा ही दिया है, समझ रहे हो ना, इसलिए मैं कहा कि आपको बता दूं, एक बटा दो लिख लो, एक्स ई का अंतिम है या आठ, और इसका कितना होगा चार, ये आपका एक होता है ना, लेकिन नीचे चार है तो एक गुना चार लिखेंगे। अब देखिए एक बटा दो हो जाएगा, आठ चार बारह हो जाएगा, और बारह को जब आप किसे काटेंगे तो इसको काट कर देख लो, छः तो बारह लिखो, काटो छः बार में, और छः के लिए एस पी थ्री डी टू, एस पी थ्री डी, देखो ना तीन को पी एगो एस और दो को डी, ना बुझाइए है तो लिख जाएगा। तीसरा आ जाओ एक्स ई एफ सिक्स, एक बटा दो, और एक्स ई का कितना आठ, और एफ का कितना एक, एक गुणे छः, तो ए, कितना हो गया आठ छः चौदह, एक गुणे दो गुणे चौदह, काटेंगे तो सात, और सात को लिख लेंगे एस पी थ्री डी थ्री। दोनों कुछ सीखे।